गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों आपको एक बात समझाई थी कि सबसे बड़ी इस दुनिया में शक्ति अगर कोई है तो उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। ये दुनिया अधर में लटकी हुई है, परंतु संभालने वाले की इच्छा है, उसने इसको संभाल करके रखा हुआ है। अर्थात जीव की इच्छा शक्ति पर ही मेरा जीवन टिका हुआ है। इस जीव की इच्छा शक्ति के ऊपर ही ये जीवन टिका हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री शक्ति की उपासना, उसके जो परिणाम हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित हैं। उसको परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया इसलिए नहीं, परंतु कर्म का परिणाम ही सुनिश्चित है। आत्मकल्याण की बात जिनके मन में आ रही हो इच्छा के रूप में, वो अपने जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं। और लक्ष्य को सुनिश्चित करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। अभी जो अनुष्ठान कराया जा रहा है उसके पीछे वास्तव में हमारी इच्छा शक्ति ही काम करती है। तो फिर सब अनुष्ठान क्यों नहीं कर लेते? एक बात कहना चाहूंगा, जिसको बोझ लगता है वो उस बोझ को नहीं उठाता है। बोझ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का बोझ वही उठा सकता है जो जिम्मेदार है। हर आदमी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। एक बात और कहना चाहूंगा, जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें आदमी इच्छा शक्ति के कमजोर होने के कारण उसकी औपचारिकताएं पूरी कर लेता है, समय पूरा कर लेता है, गिनती पूरी कर लेता है। ऐसे अनुष्ठान का कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि आपने बाह्य क्रियाओं को तो प्रधानता दी है, परंतु अनुष्ठान का जो लक्ष्य है उसको नहीं माना है। जो वास्तव में लक्ष्य है, ईमानदार होकर के उस लक्ष्य पे आप टिके हुए नहीं है। अगर नहीं टिके हैं तो उसके परिणाम कहां से आएंगे? केवल कर्मकांड के रूप में
उसका औपचारिकता पूरी हो जाएगी और हम अगर ये सोचने लगे कि हमने अनुष्ठान तो किया परंतु जो हम चाहते थे उसकी पूर्ति नहीं हुई। यहाँ फिर से कह रहा हूँ, इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, चाहना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस चाहत के पीछे जिस चीज की आवश्यकता है, मैं यहाँ उदाहरण के रूप में कहूँगा, एक बच्चा टीचर बनना चाहता है। अब टीचर बनने के लिए जिस जिस योग्यताओं की आवश्यकता है उन योग्यताओं को पूरा करना पड़ेगा और उन योग्यताधारियों में भी मुकाबला करके उनसे आगे निकलना पड़ेगा। जब आप किसी श्रेणी में जाकर के खड़े होंगे तभी आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। साधनाएं तो एकांकी भी की जा सकती हैं, परंतु जो साधनाएं मिलकर के की जाती हैं, एकांकी साधनाओं में जुड़ाव किसी का नहीं होता है, आदमी अकेला रह जाता है, उससे रूखापन आता है। और जब जिस काम को मिलकर के किया जाता है उसमें रूखापन नहीं आता है, उसमें उत्साह आता है, आगे बढ़ने की एक होड़ पैदा होती है, स्पर्धा पैदा होती है, हम आगे निकलें, पीछे ना रह जाएं, किसी से पीछे ना रह जाएं, आगे निकलें। जितना वो कर्म में उत्साह पैदा होता जाएगा उमंग पैदा होती चली जाएगी, आदमी अपने कर्म के क्षेत्र में उतना ही आगे निकलता हुआ चला जाएगा। साधना के पथ के पथ का प्रदर्शक गुरु होता है जो अनेक तरह के निर्देश देता है और निर्देश दे करके गुरु के निर्देशानुसार अनेक तरह के कर्म जो जप के रूप में, योगाभ्यास के रूप में, व्रत के रूप में, संयम के रूप में किए जाते हैं, वो अनेका अनेक विधि विधान हैं जिनका सहारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए लिया जाता है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका सहारा लिया जाता है। सोचो जो बात बोली जा रही है, मैंने पिछले दिनों आपको एक बात बताई थी कि गाड़ी जो पहाड़ पर चढ़ जाती है वजन को लेकर के, परंतु जब पहिए की पकड़ धरती पर प्लेन में ही कमजोर हो जाती है तो वहीं स्लिप मारती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। आपको भी अगर अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मजबूत प्लेटफार्म आपको चाहिए जिस पर आप अपने अंगद की तरह से पैर जमा करके आगे बढ़ सकें। समझ लेना, जो अपनी कमजोरियों का मुकाबला नहीं कर सकते उनको कर्म पहाड़ दिखता है, उनको ये कर्म पहाड़ दिखता है, कैसे वजन उठाएंगे, कैसे करेंगे, उनको पहाड़ दिखता है। परंतु फिर से कहता हूं, जब कर्म को सामूहिक रूप से किया जाता है तो सबके साथ मिलकर के एक उत्साह पैदा होता है और आदमी उत्साह के साथ उस कर्म को करता हुआ चला जाता है। आदमी को खुद महसूस होता है तू पिछड़ जाएगा, सब तुझसे आगे निकल जाएंगे, कम से कम आगे ना निकलूं, साथ तो बना रहे, साथ तो बना रहे।
अगर पीछे रह जाता है तो पीछे रह जाने के कारण मन में अरुचि पैदा होती है और कर्म बोझ लगने लग जाता है। परंतु जब तक साथ मिला रहता है तो साथ के कारण उमंग बनी रहती है और आदमी आगे बढ़ता हुआ चलता रहता है। सोच करके देखो जो बात कही जा रही है। आप लोगों ने आज का समय तो कुछ इस तरह का समय आ गया है, आदमी एकांकी हो गया है, आदमी एकांकी हो गया है, निष्ठुर हो गया है, अपने मतलब से मतलब रखता है। परंतु अंदर से सच को देखो, अंदर से सच को देखो। अगर आदमी सामूहिकता को महत्व देगा तो उसके महत्व देने से प्रोत्साहन उसके कर्म को मिलता हुआ चला जाएगा। कई बार कर्म में एक दूसरे को सहारा भी मिल जाता है और सहारे के कारण पिछड़ता हुआ व्यक्ति भी आगे निकल करके चला जाता है। गांव में कुछ काम पहले ऐसे होते थे जो साझेदारी से होते थे। एक गरीब किसान है तो अब दूसरे गरीब किसान को अपने साथ मिला लेता है, या कहो एक बैल का किसान। एक एक बैल के अगर दो किसान हो आपस में मिल जाते हैं तो जोड़ी बन जाती है। एक बैल का किसान अपने बैल का कोई उपयोग नहीं कर सकता, परंतु दो की आपस में जोड़ी मिल गई तो दोनों अपने अपने बैल को जोड़ करके वो उसका काम करा देता है, वो उसका काम करा देता है, दोनों के काम पूरे हो जाते हैं। गांव में कुछ काम सामूहिक रूप से किए जाते थे, जैसे कोल्हू का चलाना, पूरा का पूरा गांव एक साथ मिलकर के गन्ने छीलता था और अपने अपने पारी में जाकर के उनको पेलता था। गुड़ एक का ही होता था, मालिक को ही गुड़ मिलता था, परंतु सब आपस में मिलकर के काम को कर लेते थे। सोचो जब ईंट कट रही हो और उसमें 20, 30, 50 व्यक्ति एक साथ लगे हों, ओ देखते 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 सारा खेत साफ हो जाता है और देखते देखते सारा ही गन्ना छिल जाता है, पिल जाता है, गुड़ बन जाता है। परंतु अकेला किसान, सच को देखो, वही अकेला किसान कितने गन्ने छीलेगा, कितने गन्ने पेलेगा, कितना गुड़ बनाएगा, उससे उसको ज्यादा खर्चा पड़ेगा और वो कर नहीं पाएगा। परंतु जब उसी काम को सामूहिकता में किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। जिस अनुष्ठान को हम कर रहे हैं, मैंने कराने से पहले आपको बताया था और एक ही बात कही थी, आओ अपने पापों को मिटाएं। उद्देश्य क्या रखा था? आओ अपने पापों को मिटाएं, मिलजुल करके अपने पापों को मिटाएं, उनको निरस्त करें। सच को देखो, एक सच को ये देखो, आज कौन नहीं है जो रोग शोक दुख कष्ट पापों को नहीं भोग रहा है। स्थिति ये पैदा है कि हम में से हर कोई अपने इस जीवन को पाकर के फंसता हुआ चला गया है। अब इस दलदल में से बाहर निकलना है तो सहारे के बगैर आप निकल नहीं सकते। जिस अनुष्ठान को आप कर रहे हैं, आप एक दूसरे का सहारा बने। आदमी देखा देखी एक दूसरे की सहायता करे और अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ चला जाए। भाई केवल कहने की बात नहीं है,
कह देने से किसी चीज की पूर्ति नहीं होती है और इच्छा करने से भी किसी चीज की पूर्ति नहीं होती है। ये जरूर बताया है कि इच्छा शक्ति सर्वोपरि बल है, सर्वोपरि बल है, परंतु उसकी पूर्ति नहीं होती केवल इच्छा करने से। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, परिणाम जो है वो कर्म का है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप अनुष्ठान तो कर रहे हैं पर अपनी इच्छा शक्ति को देखिए, आपके अंदर कौन सी इच्छा शक्ति पैदा हो रही है, अपने उसको देखिए। जब आप उसको देखेंगे, बुरी जो सोच, बुरा जो विचार, बुरी जो इच्छा आपके अंदर पैदा हो रही है, उसको मिटाने के लिए कितना प्रयास आपने किया, उसको मिटाने के लिए कितना प्रयास आपने किया, जितना प्रयास आपका होता हुआ चला जाएगा उतना ही आप पर से वो बुराई, वो पाप मिटता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कहूँगा, पहले तो साथी का सहयोग होता है, फिर गाड़ी चलाने वाले का सहयोग होता है। ऐसे ही जीवन में जब आप मिलकर के अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो जो साथ जिसके आप मिले हुए हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर काम को करता रहेगा, उसका प्रभाव आपके साथ में अपने काम को करता रहेगा। परंतु आप ये देखिए, अगर आप स्वार्थी हैं, एकांकी हैं, स्वार्थी हैं, एकांकी हैं, आपस में आपका एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ही नहीं है। मैं दोबारा से कहता हूं, आप पति पत्नी दोनों अनुष्ठान को कर रहे हैं, ईमानदारी से देखो, सवेरे उठते के साथ ही कितनी ललक आपके अंदर है कि मेरा अनुष्ठान है और मुझे अपने उन कर्मों को पूरा करना है जिनके माध्यम से ये अनुष्ठान पूर्ण होगा। औपचारिकता नहीं, औपचारिकता नहीं, आपने 16 माला का जप कर लिया, औपचारिकता पूरी कर ली, परंतु उसके साथ अनुष्ठान का भाव लगाइए, अनुष्ठान का भाव लगाइए। क्या भाव लगाइए? मैंने कहा आओ मिलकर के पाप को धोएंगे, आओ मिलकर के पाप को धोएंगे। मैं दोबारा से कहता हूं, क्या आप दुख रोग शोक नहीं उठा रहे, नहीं भोग रहे? अगर भोग रहे हैं तो उसको मिटाना पड़ेगा और मिटाने के लिए उन साधनों को पैदा करना पड़ेगा। अगर साधनों को पैदा किया गया और वो आपको करने में बोझ लगे तो, करने में वो आपको बोझ लगे तो आप फिर बोझ को ढो रहे हैं, अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, आप बोझ को ढो रहे हैं। अगर अनुष्ठान में आपको रस आ रहा है तो कर्म तो आप कर्म के रूप में कर रहे हैं, परंतु जो रस आपको आ रहा है वो रस आपकी चेतना में जाकर के खपता हुआ चला जा रहा है और उस शक्ति को आपके अंदर पैदा करता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर कपड़े को धोते हैं तो पानी भी चाहिए और साबुन भी चाहिए, परंतु केवल पानी और साबुन से ही काम नहीं चलता है, उसको पीटने वाला, रगड़ने वाला, मलने वाला, उसमें से मैल को छुटाने वाला भी चाहिए, छुटाने वाला भी चाहिए। केवल साबुन अपना काम, साबुन उतना ही काम करता है जितना साबुन का काम है, पानी उतना ही काम करता है जितना पानी का काम है। साबुन मैल जरूर छुटाता है पर मैल भी इतना ढीठ होता है कि बगैर रगड़े वो छूटता नहीं है। ऐसे ही जिस अनुष्ठान को हम कर रहे हैं उस मैल को रगड़ करके छुटाने वाला भी चाहिए, छुटाने वाला भी चाहिए। बहुत अच्छे से समझ लेना, आपकी अगर इच्छा नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा नहीं है, देखा देखी आपने अनुष्ठान ले रखा है, किसी दबाव में हमारी नाक कट जाएगी, नीचे रह जाएंगे, हमने नहीं किया और आपने अनुष्ठान को ले लिया, तो वो केवल अनुष्ठान के बोझ को ढोना भर मात्र हो करके रह जाएगा, उसका वो लाभ जो आपको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अनुष्ठान में उस रस को लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कहा था
जिसके निर्देशा अनुसार हमको इस ध्यान का, जप का, संयम का, योगाभ्यास का, व्रत का पालन करना चाहिए, उस सत्ता को गुरु कहते हैं। और जान लेना, गुरु कृपा ही वो साबुन का काम करती है जो आपके ऊपर चढ़े हुए मैलों को छुटा देती है। वो गुरु कृपा ही गुरु नहीं होता है, गुरु नहीं होता है, गुरु की कृपा होती है। याद रखना, गुरु गुरु कह देने से या राम राम कह देने से राम की पूर्ति नहीं होती है, परंतु पूर्ति तब होती है जब राम आदर्श बन करके हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। वो काम करने लग जाता है तो काम के करने से राम हमारी चेतना के ऊपर काम करने लग जाता है। दुनिया के जितने भी उपासना के योगाभ्यास किए जाते हैं, साधारणतया उनमें भिन्नता और अनेकता पाई जाती है। भिन्नता और अनेकता पाई जाने के कारण मूल तत्व में भेद होता हुआ चला जाता है। यहाँ मैं फिर से कहूँगा, औषधालय में एक ही औषधि नहीं होती है, बहुत सारी औषधि रखनी पड़ती हैं। क्यों रखनी पड़ती हैं? हर बीमारी की अलग औषधि है, हर बीमारी की अलग औषधि है। ऐसे ही जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी का रोगी आ जाए और उसको कौन सी औषधि देनी पड़े, ऐसे ही हर आदमी की अपनी तरह की कम या ज्यादा। मान लीजिए एक आदमी लोभी है, तो लोभी तो बहुत सारे आदमी होंगे, पर सब बराबर के नहीं होंगे, सब बराबर के नहीं होंगे। यहां मैं फिर से काम बात कह रहा हूं, मुझे देखो सोच करके। व्यक्ति लोभी है परंतु उसके ऊपर बुद्धि काम कर रही है। लोभ के ऊपर बुद्धि, दोनों बात को समझ लेना, लोभ के ऊपर बुद्धि काम कर रही है तो बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता में होनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। यहां पर लोभ करने से हमारा उससे ज्यादा जितनी बचत करेंगे ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो वो बुद्धि निर्णय करती है। जब बुद्धि निर्णय ये दे देती है कि ये सही है तो हमें उस काम को करना चाहिए, ना कि अपनी उस जो लोभ की इच्छा है उसके अधीन होकर के उसमें बंद करके रह जाना चाहिए। या मैं कहूंगा, आपकी अंतर प्रेरणा, गुरु का निर्देश आपको प्रेरित करेगा कि मुझको क्या करना चाहिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बुद्धि के ऊपर लोभ आकर के चढ़ गया तो वो बुद्धि को दबा लेगा, बुद्धि को दबा लेगा, आदमी अपना नुकसान कर लेगा परंतु खर्च नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा। आज की स्थिति कुछ इसी तरह की बन करके खड़ी हो गई है। कौन सी स्थिति? बुद्धि पर बुराई हावी हो गई है, बुद्धि पर बुराई हावी हो गई है। हम अपने आप को बुराई में तो लगाते हैं पर अच्छाई हमें पहाड़ के बराबर दिखती है। हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं, मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आज तक जितने भी ऋषि हुए हैं, मैंने भेद की बात अभी आपसे कही थी, एक भिन्नता हमको दिखाई देने लग जाती है और उस भिन्नता के कारण गुरु जैसी शक्ति भी हमें पराई बुरी लगने लग जाती है, क्योंकि हम अवसरवादी बन जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा, सभी अच्छाइयों का उद्भव परमात्मा से या आत्मा से हुआ है। आत्मीय गुण जितने आपके उभरते चले जाएंगे, सांसारिक इच्छाएं उतनी आपकी धुलती हुई चली जाएंगी। बताया जाता है कि इस पूरे संपूर्ण संसार में जो चेतना साकार हुई है, उस साकार के पीछे जो काम इच्छा काम कर रही है उसी को गायत्री कहते हैं। ब्रह्म ने जिस समय सृष्टि को बसाया था अपने अंदर से इच्छा शक्ति को ही पैदा किया था। वो इच्छा शक्ति
जो चैतन्य तत्व के रूप में हमारे ऊपर काम करती रहती है। मैं दोबारा से बोलूँगा, इच्छा चैतन्य शक्ति पर काम करती है, जो हमारे चिंतन है उस पर जाकर के काम करती है। उसके काम करने से मन की उत्पत्ति होती है, चिंतन से हृदय की उत्पत्ति होती है, और जब चिंतन कर्म क्षेत्र में आता है तो कर्म क्षेत्र में आने के लिए वो विचार पैदा करता है, वहीं से मन की उत्पत्ति होती है। जब विचार कर्म के रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर फल की उत्पत्ति होती है, इच्छा जोर मारती है और फल को पैदा कर लेती है, जो निराकार है उसको साकार कर लेती है, निराकार को साकार कर लेती है। आज तक जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने उस ईश्वर की इच्छा को माना, आत्मा की इच्छा को माना, और उस आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए जिस योगाभ्यास का योग और अभ्यास कहा है उसका प्रयोग किया। हमारे शास्त्र इस बात को बताते हैं, योग इस दुनिया में गायत्री योग 84 प्रकार के बताए गए हैं, 84 प्रकार के योगों का उद्भव बताया गया है। देश काल पात्र की पात्रता के भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मनोभूमि के साधकों के लिए अलग अलग प्रकार के विधानों की आवश्यकता पड़ती है, पर मूल तो सबका एक ही है। सिद्धांत सबके पीछे आत्मा का ही काम करता है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं परंतु मंजिल सबकी एक ही होती है। जितना भी आत्मज्ञान और आत्मिक साधना विधान जो इस दुनिया में रचे गए हैं उन सब का मूल आधार केवल गायत्री साधना ही है। फिर से कहता हूँ, गुरु वो सत्ता है, गुरु वो सत्ता है, उसमें वो क्षमता भी है कि साबुन की तरह से काट करके मैल को बाहर निकाल देगा, और गुरु वो सत्ता है जो उसको प्रेम के रस में ला करके डुबा देगा। दोनों रूप में वही शक्ति काम करती है और उसी सत्ता का नाम गायत्री है। इसलिए प्रायः सभी भारतीय ऋषि मुनियों ने इस साधना उपासना की मूल गायत्री को ही अवलंबन के रूप में लिया। जितना भी महत्व दिया वो गायत्री को ही महत्व दिया। और आप सच को देखेंगे, जितने भी ऋषि मुनि अवतार महावतार जो भी पैदा हुए हैं वो सब गायत्री की साधना करके ही हुए हैं। आप अध्ययन करिए, आप जानिए, किसी की बात को ऐसे ही मत मान लीजिए, आप उसके बारे में चिंतन करिए, जानिए, शास्त्रों में पढ़िए। सबने एक ही शक्ति का सहारा लिया है और गायत्री शक्ति का सहारा लिया गया है और उसके द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाया है। तप का आरंभ गायत्री से होता है। मैं फिर से कहूंगा, तप का आरंभ कह रहा हूं, गायत्री माने आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति। जैसे अभी गंगा विहार में साधना करने के लिए चक्की दी है। कल मैं एक बहन से बात कर रहा था, वो कह रही थी उसके पाठ भारी हैं, उसके पाठ भारी हैं, मनोबल कमजोर है, मनोबल कमजोर है। अगर मनोबल मजबूत होगा तो कोई भी चीज सामने, जितने भी, मैं फिर से कहता हूं, भाग्य से परे कुछ आएगा क्या हमारे सामने? हमें तो लड़ना है बस, जो हमारे सामने आ रहा है, हमें जिसमें हमारा उद्धार है उस साधन का प्रयोग करते हुए हमें उस लड़ाई को लड़ करके आगे निकलना होगा, उसको आगे निकलना होगा। साधना के लिए साधन का इस्तेमाल आपको करना ही होगा, चाहे वो भौतिक साधन है, चाहे वो मानसिक साधन है, और चाहे वो आत्मिक साधन है, चाहे वो आत्मिक साधन है। जैसा इस अनुष्ठान में कहा था
कि पोषक तत्व हमें मिलें तो उसके लिए चक्की और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जरा उन गृहिणियों से, मेरी बेटी बहनों से पूछ करके देखिए, मुसीबत लगती है, चेंज बड़ा बुरा लगता है। जिस ढर्रे में ढले हुए हैं वो ही अच्छा लगता है, अगर कोई बदलाव आता है तो बड़ा जोर पड़ता है, परंतु बदलाव ही बदलाव का, परिवर्तन का कारण बनता है। अगर बदलाव को आप स्वीकार करेंगे तो बदलाव से ही बदलाव आता है और कोई कारण नहीं है। मैंने शुरू में बोला था, सबसे शुरू में एक बात बोली थी, गायत्री उपासना से सुनिश्चित परिणाम निकल करके आते हैं, सुनिश्चित। परंतु अगर आप करेंगे ही नहीं, आपने ये मान लिया कि केवल गायत्री के जप कर देने से ये सारा काम पूरा हो जाएगा, जप की भी, मैंने कहा जप की भी जरूरत है, संयम की भी जरूरत है, व्रत की भी जरूरत है, और कहिए योगा अभ्यास की भी जरूरत है, ध्यान की भी जरूरत है, इन सब का एक साथ मिलकर के हमको काम करना पड़ेगा। जब ये सब चीज एक साथ मिलकर के हम करते हुए चले जाएंगे तो समझ लेना उतना ही निखार हमारे अंदर आता हुआ चला जाएगा। स्थिति ये पैदा हो गई कि मैं अकेली क्या करूं, स्थिति ये पैदा हो गई मैं अकेली क्या करूं, जिंदगी में अकेले ही चलना पड़ता है। जो साथ देने वाले आते हैं वो आपको देख करके आते हैं। आप अपने दृढ़ संकल्प में बंधिए, कोई करे ना करे, जिसमें मेरा लाभ है उस काम को मुझे करना ही होगा, जिसमें मेरी आत्मिक उन्नति है उस काम को मुझे करना ही होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने तीन चरण बताए हैं, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, ये तीन चरण हैं। अगर ये तीन चरण आपने पूरे कर लिए तो मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो परिकल्पना जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं वो पूर्ण होती हुई चली जाएगी, पूर्ण होती हुई चली जाएगी। मैं बड़े निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, उस परिकल्पना को हमको पूरा करना पड़ेगा। उसमें जो इच्छाएं हैं उनमें हमको उस रंग को भरना पड़ेगा। अगर वो रंग भरेगा तो निश्चित रूप से जान लेना वो कर्म अपने आप पूरा होता हुआ चला जाएगा, वहीं से उसकी शुरुआत होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आप पत्थर की मूर्ति के हाथ जोड़ते रहिए, टस से मस नहीं होगी। भगवान का रूप उसमें से झलकता है, भगवान की शक्ति उसके अंदर है, क्योंकि अणु में महान विभु छुपा हुआ है, इसलिए छोटी सी चिंगारी के अंदर भी भट्टी के गुण छुपे हुए हैं, ये सुनिश्चित है। परंतु बनाने के लिए उतना साधन ईंधन के रूप में उस चिंगारी को हमको देना पड़ेगा, तब वो अपने आप को आगे बढ़ाएगी। तप का आरंभ यहीं से होता है, कहां से होता है, गायत्री से ही हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, मैं शास्त्रों को तो नहीं जानता परंतु अपने गुरु को जरूर जानता हूं, उन्होंने लिखा है कि विष्णु की नाभि से कमल निकला और गायत्री उस पर प्रकट हुई। भाई मुझे नहीं पता किसी की नाभि से कमल निकलता होगा नहीं निकलता होगा, परंतु इस नाभि के अंदर एक चीज जरूर काम करती है, उसको कहते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में जो काम करता है वो कहता है ईंधन मेरे में डालिए, वो कहता है कि ईंधन मेरे में डालिए, वो उस ईंधन की मांग करता है जिसको भूख लगना कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, नाभि में से कमल और कोई नहीं खिला है, जब जिंदगी के उन खिले हुए रूपों को, जिंदगी के उन खिले हुए रूपों को आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे
तो गायत्री इच्छा शक्ति बनकर के हमसे उन सत्कर्मों को कराने के लिए। देखिए, अगर हमारे पेट में भूख ही नहीं लगती तो हम इतने आलसी निकम्मे नालायक कैसे बनकर के खड़े हो गए कि एक जगह जहां पड़े रहते पत्थर की तरह, या मैं दूसरा नाम ले दूं, भैंस जैसे गोबर कर देती है तो वो वहीं पर पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा वहीं पर सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, परंतु टस से मस नहीं होता। ऐसे ही आदमी भी ठीक इसी तरह का बन करके खड़ा हो गया होता, परंतु इसके पीछे आपने सुना होगा, आदमी अन्नो वही मनह, शास्त्र कहता है जैसा मन रख करके उस अन्न को ग्रहण करता है वैसा ही परिश्रम करता हुआ उस अन्न को अपने आप में लेता है। जिसको बुराई का मतलब बगैर कमाए हुए खाने की आदत पड़ गई, समझ लेना उसकी अंदर की नीयत गिर जाएगी और उसका चरित्र कोई भी नहीं रह जाएगा। वो जरा जरा सी चीज पर अपनी नीयत को डगा लेगा, डिगा लेगा और क्या करेगा, अपने स्तर के, अपने जीवन के आत्मिक स्तर का पतन करता हुआ चला जाएगा। पर जिसकी नीयत में ये आ गया, नहीं मुझे अपनी मेहनत की कमाई को खाना है, खून पसीने की कमाई को खाना है, तो उस पूर्ति के लिए जिस कर्म को कर रहा है उसको तप कहते हैं, उसको तप कहते हैं, वो तप करने लग जाएगा, उसके द्वारा जो कर्म होगा वो तप हो जाएगा, तप हो जाएगा। इच्छा क्योंकि सटीक हो गई, सत्य पर टिक गई, इसलिए वो तप हो जाएगा। सृष्टि निर्माण से पूर्व ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा गायत्री का ज्ञान मिला था, आपको भी, आपको भी अंदर की जो प्रेरणाएं, जो ब्रह्मा जी को जो भविष्यवाणी सुनाई दी थी, आपको अंतर ज्ञान के रूप में अंदर से आत्मिक अनुभूति होती है। आत्मा कहती है साधना कर ले मेरी, उसके लिए ग्रंथ कहते हैं इस बात को, 1000 साल तक ब्रह्मा ने तपस्या की थी इस सृष्टि को उसके सही मूल स्वरूप में लाने के लिए, 1000 साल तक तप किया, सृष्टि निर्माण की शक्ति उनके अंदर पैदा हो गई। आपको भी 100 साल का तप करना पड़ेगा, 100 साल का तप आपको करना पड़ेगा। जब 100 साल का तप आप करेंगे, नियम है, एक नियम है, क्या नियम है, आप एक कदम चलते हैं तो गुरु आपको 9 कदम अपने दे देता है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बीज आप धरती को एक दे करके आते हैं, भाई एक से ज्यादा देता है, अब खेती खेती के ऊपर है कि वो कितने में ले ले, कितने ले ले, परंतु प्रयास से मिलते हैं, ऐसे ही पड़े हुए नहीं मिल जाते, प्रयास करते हैं तो वो मिलते हैं, वो मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको वो सत प्रयास, प्रयास नहीं कहूंगा, सत प्रयास आपको करना ही होगा। जब आप उस सत प्रयास को करेंगे तो शंकर जी की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, योग माया की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, वो समाधि, समाधि माने उस विचारधारा में, उस विचार शक्ति में जाकर के आप रम जाएंगे, महासमाधि में आप चले जाएंगे। कौन सी, आत्मिक, आत्मिक प्रगति की महासमाधि में आप चले जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं सूझेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, केवल अपना उद्धार, अपना उत्थान दिखेगा, और कुछ आपको नहीं दिखेगा। मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर ऐसा उस महासमाधि में लीन होने के लिए अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो 3 गुणों का पदार्पण आपको अपने अंदर करना होगा, और वो 3 गुणों का पदार्पण कौन सा होगा, सरस्वती गुण सतोगुण है, या सतोगुण सरस्वती गुण है, से रसवती, ऐसे रस को पैदा कर लेना कि कला में आपको रस आने लगे और वो आपके अंदर से जागृत होने लगे। जिस साधना को आप कर रहे हैं गायत्री मंत्र के जप की, उसमें आपको रस आने लगे तो आपके अंदर सरस्वती का प्रादुर्भाव होने लग जाएगा। रजोगुण यानी कि लक्ष्मी,
रजोगुण यानी कि लक्ष्मी, वो आपके अंदर पैदा हो जाए। मैं कुछ करूंगा, मेरी कुछ करके जाने की इच्छा है। मैं आपसे पूछता हूं, आज श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, हमारे पितरों के दिन हैं, कितने पितर हमारे पैदा हुए जिनके आज आप श्राद्ध कर रहे हैं, कौन सी भट्टी में से, कौन सी खान में से वो निकले और कहां जाकर के समा गए, किसी का कुछ नहीं पता है। पर जो इस दुनिया में आकर के अपनी पहचान को बनाते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं, वो कभी भी मिटते नहीं हैं। इसलिए आवश्यकता है अपनी पहचान को बनाने की। और तमोगुण का मतलब है काली, तमोगुण का मतलब है काली। काली एक शक्ति है, काली एक शक्ति है जो बुराइयों का दमन करती है, बुराइयों को चट कर देती है, मार देती है, उसका नाम है काली। एक आवरण, एक अवतरण शक्ति का हमारी शक्ति के ऊपर हो जाए, एक अवतरण शक्ति का हमारी शक्ति के ऊपर हो जाए। कैसे हो जाए? आप जिस गायत्री मंत्र का सहारा ले रहे हैं, सविता की जो सूरज की जो आत्मा है वो सविता के रूप में मानी गई है, उसको नाम दिया है, सूर्य की आत्मा का नाम सविता है, सविता, क्योंकि वो प्रसव करता है, प्रसव करता है, प्रसव से मतलब है माता अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने अंगों से उसके अंग पैदा करती है। ऐसे ही सूर्य भी प्रसविता है, वो प्रसव करता है, प्रसव करने के कारण अपने जैसे गुणों को पैदा करता है। इसी प्रकार अन्य अन्य देव शक्तियों को भी इसी महाशक्ति की सागर की तरंगों की लहरें के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इसी महामंत्र का सहारा लेकर के योगाभ्यास के द्वारा उन चीजों, उन शक्तियों को अपने अंदर जागृत किया। बृहस्पति ने शक्ति का दक्षिण मार्गी साधना करके देव गुरु बने थे, देवताओं के गुरु बने थे, और शुक्राचार्य ने वाम मार्गी का सहारा लेकर के वो भी असुरों के गुरु हो गए थे। साधारणतः इस दुनिया में बहुत से ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हुए हैं, देव ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने उन पदों को अपने उत्कृष्ट स्तर पर ही प्राप्त किया है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अपने स्तर की बात सोच करके देखिए हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। मैं आज की बात को, क्योंकि समय हो गया है, यहीं पर संपन्न कर रहा हूँ, और ये उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए ये चेंज हुआ है, मजबूरी में हुआ है, कोई जानबूझ करके नहीं किया गया है, ये अपने आप ही ब्लॉक हो गया। पहले 300 नंबर तक चले जाते थे और अब 37 नंबर दिखा रहे हैं, 37 फोन जुड़े हुए हैं इस समय। तो सबको जो आपके संपर्क में है, सबको कहो वो जुड़ें, सबको कहो वो जुड़ें। और मैं बच्चे वो लाइन पे हैं, मैं इनसे भी कहूँगा अगर वो पुराना ही किसी तरह से चल जाए तो भाई वो सबसे उत्तम होगा, देखो, नहीं तो सारा काम ही चौपट हो गया, कहाँ 300 व्यक्ति और कहाँ 30 व्यक्ति अब जुड़े हुए हैं। काम को बढ़ाओ, जो बातें समझाई जा रही हैं उनको मानो, उन पर चलो, एकांकी स्तर से चलने से ही आपको लाभ होगा, फिर सामूहिकता में आओ और फिर अपना विस्तार करते जाओ। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।